नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। काले फिल्म के पोस्टर लॉन्च के बाद फिल्म का पोस्टर अब विवादित होता जा रहा है। विवाद का आलम यह है कि पोस्टर को लेकर टीएमसी के सांसद के बयान से टीएमसी ने भी किनारा कर दिया है। वह इस फिल्म को लेकर अब रांची के कोतवाली थाने में हिंदू धर्मावलंबियों और पूजा समितियों के लोगों ने फिल्म के निर्माता पर FIR दर्ज की। वहीं उन्होंने कहा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ करने का हक नहीं है। हम उस फिल्म को रांची में चलने नहीं देंगे। हम इसे लेकर थिएटर मालिकों से भी बात करेंगे कि वह इस फिल्म को ना लगाएं। वहीं टीएमसी सांसद के बयान और शशि थरूर के सपोर्ट पर रामनवमी पूजा समिति की महिला सदस्य ने कहा, एक संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिससे जन भावनाओं को ठेस पहुँचे। बहुत ही गलत काम किए हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किए हैं, फिल्म को चलाने के लिए इस तरह से धर्म के साथ में मजाक किया है। और माँ काली जिसको हम आस्था में पूजा करते हैं, माँ काली पर दुनिया का सृष्टि किया गया है, उसी के खिलाफ लोग मजाक उड़ाया। हम लोग ऐसे व्यक्ति में चाहे वो जिस भी पद में रहा हो, चाहे MP हो, MLA हो, चाहे जो भी रहे हो, जो भी घर में काम किया उसको हम लोग FIR करवाए हैं, FIR करके उसको गिरफ्तार के मांग कर रहे हैं। और उसका फिल्म रांची शहर में हम लोग चलने नहीं देंगे। वो जरूरत सभी हॉल के मालिक करेंगे, उसका फिल्म नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। हम लोग सब सिनेमा को चलने नहीं देंगे। जब तक वो माफी मांगे उसको जेल जाना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए। किसके नाम से दर्ज किए हैं? अभी तो जो निर्माता के निर्माता पर केस किए हैं, और जो इस तरह का उसका जो समर्थन मैंने बोला उसके खिलाफ भी। जिस प्रकार से काली जो लघु फिल्म बनाई गई है और आपत्तिजनक जो पोस्टर जारी किया गया, उसके विरोध में हम लोग यहाँ FIR दर्ज करना, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज देश में सोची समझी साजिश के तहत देश का माहौल बिगाड़ने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है, ऐसे पोस्टरों को जारी किया जा रहा है, किसी सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को आहत किया जाता है। इसका खिलाफत हम लोग करने के लिए आज यहाँ आए हैं। मतलब ये नहीं है कि कौन क्या किया। अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की कार्रवाई को सही ठहराता है तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता सवालों के घेरे में। देखिए, आज पिछला जो भी किया धरा था उससे उनको सबसे लोकप्रियता मिलती है, और हम लोगों ने कभी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, जिसका ये नतीजा है कि आज टोरंटो में बना हुआ फिल्म और यहाँ पे आके सबसे लोकप्रियता के लिए हमारी देवी आराध्य देवी के लिए इस तरीके का आपत्तिजनक उन्होंने जो पोस्टर लॉन्च किया है उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आके हम लोगों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया है, और अविलंब उनके लिए हम लोग चाहते हैं गिरफ्तारी की मांग हो और उनको कुछ ऐसी सजा मिले जिससे आगे इस तरीके का कार्य करना बाकी जो तमाम फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं उनको एक सबक मिलना चाहिए कि एक तो वो संवैधानिक पद पे हैं, उनको कोई ऐसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी बात कहनी ही नहीं चाहिए। कायदे से उनको तो अभी इसी वक्त TMC को चाहिए कि उनको अपने TMC से निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि आप संवैधानिक पद पे हैं, आपकी बातें बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी कही हुई बातों का कहीं ना कहीं नॉर्मल पब्लिक पे बहुत असर पड़ता है। तो हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है जो आम पब्लिक हैं, आम जनता है, कि अगर हमारे ऐसे कोई प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं, हमको वहीं पे उनको तुरंत से स्टॉप।